बुद्ध प्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तैनात DDRF, SDRF और अन्य सुरक्षा बल के जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। खासतौर से ये यात्रा मार्ग में बीमार और चोटिल यात्रियों को तुरंत मदद पहुंचाने में लगी यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस बल के संयुक्त प्रयासों से रेस्क्यू टीम विभिन्न पड़ावों पर कार्य कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश से केदारनाथ धाम में दर्शनों को पहुंची 59 वर्ष की उर्मिला देवी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने पहले उन्हें विवेकानंद अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया और बाद में प्लास्टर लगने के बाद हेलीपैड पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित उपचार के लिए हेली सेवा से रवाना किया।